जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन योर जीके क्लास. स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर न्यू चैप्टर, दैट इज फॉरेस्ट क्वेस्ट. ओपन पेज नंबर 23. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट. रीड द क्लूज गिवन बिलो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द हेल्प बॉक्स. फर्स्ट, these forests are dominated by pine and spruce trees. These forests have prolonged winters and get rainfall between 10 and 20 inches. Prolonged मतलब जो जहाँ पे winters बहुत लंबे समय तक रहती हैं. means यह forest pine और spruce trees से घिरे हुए होते हैं. इन forests में winter ज़्यादा रहती है और 10 टू 20 इंचेस तक रेनफॉल होती है. योर आंसर इज बोरियल फॉरेस्ट. लुक एट द पिक्चर एंड रिकॉग्नाइज बोरियल फॉरेस्ट. क्वेश्चन सेकंड, दिस फॉरेस्ट इन कैलिफोर्निया प्रोवाइड्स अ डाइवर्स रेंज ऑफ हैबिटेट्स हैविंग 400 स्पीशीज ऑफ एंडेमिक एंड 200 स्पीशीज ऑफ रेयर वास्कुलर प्लांट्स. अनफॉर्चुनेटली इट इज थ्रेटन्ड by grazing, fire, urbanization, logging and mining interests. Means यह forest California में है और इसमें बहुत अलग अलग variety के plants होते हैं और 200 species ऐसे dangerous plants की है और 200 species rare common plants की होती है. यह forest fire से, urbanization से, लॉगिंग से और माइनिंग की वजह से नष्ट हो जाते हैं. इन सब का जो नष्ट होने का कारण क्या होता है, ये सब चीजें होती हैं. योर आंसर इज सायरा नेवेडा. क्वेश्चन नंबर थर्ड, दीज फॉरेस्ट्स अकर इन द हॉट वेट रीजंस अराउंड द इक्वेटर. दे आर फिल्ड विद ट्रीज, दे स्टे ग्रीन ऑल ईयर अराउंड. इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स प्लांट एन एनिमल स्पीशीज लिव इन दीज फॉरेस्ट. मीन्स यह फॉरेस्ट हॉट वेट रीजन में इक्वेटर के पास पाए जाते हैं. इसमें ऐसे ट्रीज होते हैं जो साल भर ग्रीन रहते हैं. ऐसा माना जाता है कि वर्ल्ड के आधे से ज्यादा प्लांट और एनिमल की स्पीशीज इस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं. आंसर इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. क्वेश्चन नंबर फोर, This forest is a part of the world's largest delta formed by the river Ganga and Brahmaputra. The name is said to be derived from the word Sundari, a reference to the large kind of Sundari trees that grow there. It is also the site of a tiger preservation project. Means, ye forest world ke largest delta jo river Ganga aur Brahmaputra se बना है उसका पार्ट है. इसका नाम वर्ड सुंदरी में से आया है. यहां पर लिखा हुआ है ना डिराइव्ड मतलब यहां से इस वर्ड से सुंदरी से आया है. यहां पर टाइगर प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट की भी किया जाता है, मतलब मीन्स टाइगर को संभाल के रखा जाता है प्रिजर्वेशन. योर आंसर इज सुंदरबंस. क्वेश्चन नंबर फाइव, दिस फेमस रेन फॉरेस्ट इन थाईलैंड इज सेड टू बी ओवर 160 मिलियन ईयर्स ओल्ड. मीन्स ये थाईलैंड का फेमस रेन फॉरेस्ट है जिसकी एज 160 मिलियन ईयर्स है, मतलब कि यह 160 मिलियन ईयर्स पुराना है. कैन यू इमेजिन? यस, योर आंसर इज खाओसोक. क्वेश्चन नंबर सिक्स, द लेजेंडरी होम ऑफ रॉबिनहुड. This forest in England is famous for its wildlife and nearly 1000 year old ancient oak tree. Means यह forest England में है और बहुत ही famous है. किस चीज के लिए famous है? यह अपनी wildlife के लिए बहुत famous है और इसमें 1000 years पुराने oak tree भी हैं. Oak tree कितने पुराने? 1000 years. Your answer is Sherwood Forest. क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, फाउंड इन कूल रेनी एरियाज दीज फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स
in autumn and grow new ones in spring. Means यह cool rainy areas में पाए जाते हैं. यह अपने पत्ते autumn में गिराते हैं और spring season में new leaves आ जाती हैं. इन पर new leaves कब आती हैं? Spring में. और गिरते कब हैं इनके पत्ते? Autumn में. Your answer is deciduous forest. Question number 8. These forests are found in areas that have moderate to heavy annual rainfall and long winters. They are similar in shape and height and often form a nearly uniform stand with a layer of low shrubs and herbs below. Pines, spruces, firs and larches are the dominant trees found here. Means, यह फॉरेस्ट ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहां बहुत ज्यादा रेनफॉल नहीं होती और लॉन्ग विंटर्स होती हैं. यहाँ पे विंटर्स कैसी होती है? बहुत लॉन्ग होती है, यानी लंबे समय के लिए होती है और यहाँ पर ज्यादा रेनफॉल नहीं होती है. इनकी शेप और हाइट सेम होती है और लो श्रब्स और हर्ब्स की लेयर से ये अपने आप को इक्वल कर लेते हैं. पाइन, स्प्रूसेस, फर्स एंड लार्जेस ट्रीज सबसे ज्यादा इस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं. योर आंसर इज कॉनिफेरस फॉरेस्ट. नाउ इट टिडबिट टाइम्स. द फ्लोर ऑफ ए कॉनिफेरस फॉरेस्ट इज यूजली कवर्ड विथ अ थिक लेयर ऑफ डेड लीव्स बिकॉज दे टेक अ लॉन्ग टाइम टू रोट इन द कोल्ड डार्क कंडीशंस. मीन्स कॉनिफेरस फॉरेस्ट का फ्लोर डेड लीव्स की थिक लेयर से कवर होता है. क्यों? क्योंकि उन्हें सड़ने के लिए लॉन्ग टाइम लगता है. आरओटी रोट रोट मतलब सड़ने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा समय लगता है. ओके, नाउ हैव यू सीन हाउ मेनी फॉरेस्ट्स आर देयर? फॉरेस्ट आर कॉल्ड द लंग्स ऑफ आर प्लेनेट. हियर योर चैप्टर इज कंप्लीटेड. हैव अ फ्रूटफुल डे.